Namaskar, I'm Subir Saran. This is Vardhan Marwa. I'm the chef of the House of Celeste in Gurgaon. Vardhan is our executive chef there. We are here to talk about ice cream. All the goodness, the incredible magic that good ice cream can bring to us. And we are very lucky that we have Amul sponsoring this for us, this conversation. And as you can see, dekhiye, Amul ice cream. We both said Amul ice cream makes us smile. So we are talking about real ice cream versus fake ice cream. So we have Amir Rabani working the cameras for us. We are live on Instagram and Facebook. Thank you, Amir. Aaj hum baat kar rahe hain ice cream versus fake ice cream, analogous ice cream. So Vardhan, aap thodi apni titti dikhaye. So ye main patla hu, ye mote hai, dekhiye. So ye zyada ice cream khate hain, main kam. But you know, आइसक्रीम हर चीज को जो फ्रोजन हो उसको आइसक्रीम नहीं हम लोग कह सकते हैं. आइसक्रीम एक बहुत नायाब, खास, स्पेशल, डिलिशियस, तृप्ति से भरी हुई, फुल ऑफ सटाइटी इंग्रेडिएंट है, विच टेक्स अ लॉट ऑफ मनी टू मेक एंड ऑल्सो इज वर्थ द कॉस्ट. कि अगर आप अच्छा पैसा खर्चेंगे आपको अच्छी आइसक्रीम मिलेगी. ये है आइसक्रीम की कहानी. पर आजकल हिंदुस्तान में FSSAI, the food standards and safety, क्या है FSSAI का पूरा फॉर्म, food standards authority of India, food standards and safety authority of India ने हम लोगों को बताया है कि आइसक्रीम में 10% फैट जरूरी होना चाहिए. 10% फैट एक्सपेंसिव होता है लाने को, तो बहुत ज्यादा जो आपके वेंडर्स हैं वो 10% रखते हैं. अमूल 13.5%, 13.5% अमूल फैट डालती है आइसक्रीम में. तो जब आप उनकी आइसक्रीम खाते हैं आपको और भी तृप्ति मिलती है. तो ये तो एक फैक्ट है हमारा. अब खास कर रहे तो इतने आइसक्रीम का नाम सुन के ये खुश हो गए हैं. बट अमूल हैज 13.5% फैट, व्हाइल ऑल द अदर वेंडर्स इन द मार्केट कीप इट बिटवीन 10 and 11. वो लोग 10 और 11% के बीच में रखते हैं. तो प्लीज लेबल को पढ़िए. अगर आप लोग लेबल नहीं पढ़ सकते हैं, लेजी हैं, तो एक लोगो को, ब्रांड नेम को रेकग्नाइज करिए. मेरे को अमूल का लोगो कहीं पे भी दूर से पता चल जाएगा, तो उसको याद रख लीजिए. आपको पता है उनकी आइसक्रीम रियल है. कई वेंडर जो आइसक्रीम बनाते हैं आजकल, वो क्या करते हैं 10% ही रखते हैं. और कई लोग तो ऐसे बदमाश है कि वो लोग 2-3 रियल आइसक्रीम बनाते हैं पर 98 फेक आइसक्रीम बनाते हैं, और तभी भी अपनी कार्ट पे, अपनी दुकान पे नाम रख लेते थे आइसक्रीम. क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से ये अब बोला गया है कि जो लोग बस मिल्क फैट से आइसक्रीम बनाएंगे वही लोग आइसक्रीम को आइसक्रीम कह सकते हैं, और उस आइसक्रीम में 10% फैट होना चाहिए. तो आजकल लोग क्या करते हैं, 2 आइसक्रीम असली बना लेते हैं पर 98 चीजें फेक फ्रोजन डिजर्ट बना रहे हैं. तो आप देखिए कहां से आप खरीद रहे हैं. आप लोग बोलेंगे मेरे को एक कोन बटर स्कॉच का दे दें. वो आदमी जो आपको कोन बटर स्कॉच का दे रहे हैं वो आइसक्रीम नहीं है, वो एक फ्रोजन कुछ है. क्या है? डालडा, पाम ऑयल और बदमाशी के इंग्रेडिएंट्स. तो आप उनको दो, बहुत सोच समझ के खाइए. देयर इज अ कनंड्रम हैपनिंग इन इंडिया. नाउ आई टॉक इन इंग्लिश बिकॉज वदान ओनली अंडरस्टैंड इंग्लिश. ये तो अंग्रेज है ना, मैं आया हूं अमेरिका से, ये अंग्रेज है. तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द मार्केट इज इनंडेटेड विद आइसक्रीम दैट इज एन आइसक्रीम दैट्स नॉट इवन मेड बाय मिल्क. What they're using is palm oil and all kinds of vegetable fats that are bad, dangerous and harmful for the body. There's nothing wrong if you want to make them, but don't call them ice cream. Ice cream is all about the richness, the creaminess, the incredible protein, the lactose and the minerals that you can get when you drink milk and cook with milk. So keep it pure in your head and you'll buy a good ice cream and you'll be able to enjoy it. So maine jo angrezi mein abhi bola wo ye bola कि जब आप आइसक्रीम खाते हैं आप क्या चाहते हैं, आपको दूध की खूबसूरती जो उसके फ्लेवर की है, जो उसमें आपको प्रोटीन मिलता है, उसमें जो आपको लैक्टोज, जो दूध की अपनी चीनी है वो मिलती है, और जो मिनरल्स है, विटामिन सी, विटामिन ए, आयरन, जो सब आपको मिलता है दूध से, वो आपको आइसक्रीम में मिलता है. मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हेन यू ईट आइसक्रीम, अ लिटिल कप ऑफ आइसक्रीम कैन गिव यू सटाइटी दैट मेक्स यू फील लाइक अ किंग. जो आप छोटा सा आइसक्रीम खाएंगे आपको लगता है बिल्कुल तृप्ति मिल गई. तो मेरे जैसे लोग तो हर रात को खाते और दिख रहा है, क्योंकि मेरे को तृप्ति नहीं मिलती, मेरे को बहुत ज्यादा तृप्ति चाहिए. मैं सोचता हूं कि मैं आदमी नहीं, मैं तो वन मानुष बन जाता हूं आइसक्रीम के सामने. एंड कितने लकी है हम लोग की आई हैव अमूल आइसक्रीम.
तो अगर मैं मोटा भी हो रहा हूं, मैं अच्छी चीजें खा के मोटा रहा हूं, मेरा कोलेस्ट्रॉल जो है, आप लोग आए तो मैं आपको अपनी पर्ची दिखा दूं डॉक्टर से, आई हैव द बेस्ट कोलेस्ट्रॉल, यस आई एम अ लिटिल फैट बट माय कोलेस्ट्रॉल रीडिंग्स आर सो गुड बिकॉज आइसक्रीम इज नॉट किलिंग मी। अगर मैं डालडा खाऊं, मैं पाम ऑयल खाऊं, वो फेक आइसक्रीम खाऊंगा, मेरे को हाई कोलेस्ट्रॉल होगा, मेरी आर्टरीज क्लॉग होंगी, मुझे हार्ट डिजीज, डायबिटीज और मैं मर जाऊंगा। बट द रियलिटी इज अ लिटिल बिट ऑफ आइसक्रीम गोज मच लॉन्गर देन अ टब फुल ऑफ फेक आइसक्रीम। सो वी आर डन एज अ शेफ एंड एज अ पेस्ट्री शेफ, व्हेन यू थिंक ऑफ आइसक्रीम, डू यू थिंक वेजिटेबल ऑयल और डू यू थिंक मिल्क क्रीम? हाउ वुड यू मेक योर आइसक्रीम? I would always go for a dairy based ice cream because ice cream without milk and milk fat is not ice cream. But sadly in India, you would find any ice cream that you would eat, you'd feel that palm oil effect on the top of your tongue. You know, just like hum Vaishno Devi mein rajma chawal khate hain, to uske baad upar lagta hai fat. Vaishno Devi mein rajma chawal mein? Oh, dekhiye, this is what's going wrong with our nation. कि वैष्णो देवी जब लोग जाते हैं, वो लोग मन्नत मांगने जाते हैं, उनको बुलावा आता है, तो कोई सोचेगा कि क्यों कोई और चोरी करेगा वहां पे। बट हमारी मुल्क में और बाहर भी आजकल सारे लोग एक दूसरे से थोड़ा सा पैसे बनाने की चोरी में बिजी रहते हैं। तो आप लोग प्लीज ओल्ड ब्रांड्स को, ट्रेडिशनल ब्रांड्स को, जिन्होंने खूब इन्वेस्टमेंट डाली है अपनी रेप्यूटेशन में, उनको ट्रस्ट कीजिए। अमूल एक ऐसा ब्रांड है जिसकी आइसक्रीम 100% डेयरी से बनी हुई है, विच उसका मतलब है कि दूध, मलाई और मिल्क पाउडर बस वो जा रहे हैं उनके आइसक्रीम में और कुछ नहीं जा रहा है। आइसक्रीम, दो आइसक्रीम के कंटेनर अमूल का और कोई और ब्रांड का आप देखेंगे, उनके वजन भी एक जैसे नहीं होते हैं। अमूल की ब्रिक 750 ग्राम की होती है, कई लोगों की ब्रिक 700 की होती है, वो उसमें भी आपकी चोरी कर रहे हैं कि शेप वही बना देते हैं अमूल की कॉपी करने के लिए, पर आपको थोड़ी कम दे रहे हैं आइसक्रीम, वो वहां पे चोरी कर रहे हैं। फिर अमूल 13.5% फैट डाल रहा है, वो लोग 10% फैट डाल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है 10% डाले तो आप आइसक्रीम का नाम अपने ऊपर प्रिंट कर सकते हैं, तो वो लोग वही कर रहे हैं। अमूल ने आपको जो 13.5% फैट दिया है इसलिए दिया है क्योंकि वो आपको लग्जरी देना चाहते हैं। सो थिंक ऑफ अमूल चॉकलेट इज अ लग्जूरियस ब्रांड ऑफ चॉकलेट बिकॉज़ दे आर एडिंग 13.5% ऑफ द फैट इनटू द आइसक्रीम। हंग्री दैट मिडनाइट क्रेविंग, व्हेन वरदान आस्क्स आई हैव टू ब्रिंग। So yeah. This is the fruit and nut. It's the naughty fruit and nut. तो मैं तो मेरे को कुछ भी अगर आलसी होता हूँ मैं और चीजों के लिए, आइसक्रीम के कभी नहीं आलसी होता। वरदान, you deserve a little taste. Yeah, definitely. If you are going to eat fruit and nut ice cream, this is one of my favorites. The best part is the texture is pretty good. Fruit and nut fantasy. The ingredients I want to tell you क्या लिखा है यहाँ पे, milk solid, चीनी, orange jelly, chocolate chips, raisins, cashews and stabilizer. So very good. कई बारी जब तक आप लेबल पढ़ते हैं आपने 50 ingredients के नाम उसमें पढ़ लिए, उसमें एक ingredient भी लिखना लिखा था dairy। पहली चीज यहाँ पे milk solid लिखा है, that is an incredible way of reading a label. To main aur nahi kha rahe, so if you read a label it must say milk before anything else. That's true. The raisins chewy, yeah. The chocolate is Amul chocolate, my favorite chocolate in India right now. We'll show you what we do with ice cream with these, but the reality is that milk has 55% lactose, it has 35% protein, 10% of minerals. तो ये तीन चीजें आपको दूध में मिलती हैं। 55% आपको उसमें lactose, जो चीनी, दूध की अपनी चीनी है वो मिलती है, 35% आपको दूध से प्रोटीन मिलता है, 10% आपको मिनरल मिलते हैं लाइक मैग्नीशियम, कैल्सियम, आयरन। तो ये सब आपकी बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये रीजन है कि दूध क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। दैट्स द रीजन मिल्क, दे टेल यू टू ड्रिंक मिल्क फॉर यंग किड्स, वेरी गुड ड्यूरिंग योर डेवलपमेंट एज वी गेट अडल्ट्स, वी बिकम अडल्ट्स, वी लव सटाइटी इन आवर डाइट। मिल्क इज अ ग्रेट वे ऑफ गेटिंग सटाइटी, गेटिंग दैट उम्फ ऑफ एनर्जी दैट यू नीड एंड फीलिंग सैटिस्फाइड एट द एंड ऑफ अ मील। अ स्कूप ऑफ आइसक्रीम कैन गो अ लॉन्ग वे। सो टुडे आई आस्क वरदान,
वरदान इज दी ही रन्स अ फैक्ट्री कॉल्ड द ग्लेज फैक्ट्री, वहां पे वो लोग ग्लेज टेराकोटा पे नहीं करते पर वो केकों पे करते हैं। तो वरदान बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर केक बनाते हैं और साथ साथ बहुत बढ़िया कुकीज भी बनाते हैं। तो वरदान आज कुकीज क्या लेके आए आप हमारे लिए? सो टुडे आई हैव मेड अ व्हाइट चॉकलेट एंड डार्क अमेरिकन चेरी कुकी and these are the ones that I make my ice cream sandwiches with, and the other one is a salted dark chocolate chunk cookies, and I've used Amul chocolate in both of them. Oh, you've used, yeah. Amul, which, yeah. One? So I used a fruity white chocolate in the white chocolate one, and I used the Mystic Mocha or the Indian one, and this is 45% to 55% of cocoa content. Probably the best cocoa in the world is being bought by Amul at the moment. So they're doing really nice chocolate. It goes really well with the cookie because it's literally like melt in mouth. So my chef's favorite is ice cream sandwich. हम रात को कभी कभी जब भूखे होते हैं तो हम दो कुकीज के अंदर एक स्कूप आइसक्रीम डाल के सैंडविच बनाते हैं। और जब आपको अपनी टोन छुपानी होती है आप अमूल के टब आप सामने खड़े रख लीजिए, बस कोई नहीं देख सकता आप मोटे हैं। सिक्स पैक हाँ, ये जब अभी दो और छह पैक हो जाएगा, दैट इज माई सिक्स पैक। So vanilla ice cream and butterscotch, which one you want to fill in your cookie? I would go with the vanilla because it's the best. It's not too sweet. It's a perfect balance of milk and... So Vardhan, aapke liye cookie sandwich banayenge. Oh ho. Dekhiye, jo ice cream aadmi ice cream se darta hai. It's a little too... You need Charlie to open this for me. So vanilla ice cream, it's a basic ice cream, but the test of a good ice cream, एक अच्छी ice cream company का जो सबसे बड़ा इम्तिहान है, उनकी vanilla ice cream का flavor कैसा है? Exactly. And Amul की vanilla ice cream creamy है, rich है, buttery है, sensual on the mouth. ये नहीं लगता कि आपके मुंह में किसी ने डाल दिया, को पेंट कर दिया हो, फिर आप 15 मिनट बस चाट रहे हो, वो नीचे नहीं जा रहा है। ये Amul की ice cream के साथ नहीं होता है, which is an important thing. वदांश यहाँ पे खड़ा करके दिखाओ। और थोड़ी सी आमिर ने बना रहे हो ना, तो थोड़ी सी और आमिर को तीस करेंगे हम लोग कि उनको नहीं देंगे हम। सो दिस इज माय काइंड ऑफ एक और स्कूप। या यस, इतनी बड़ी तुम कुकी तो ना कुका बनाते हो कुका के बीच में तो तीन स्कूप जाएंगे देखे आप लोगों ने। हाँ, और ये आपने प्रेस करी। So this is the best kind of sandwich. This is अच्छा, my... एक काट के दे थोड़ा सा। Yeah, definitely. So we are cutting it with a knife. ये वरदान का half और ये मेरा half. How beautiful is that? I love that we're doing it live. Amazing. Incredible. When you eat it, I feel happy. But most importantly, what I don't feel is that coating. जो जब आप fake ice cream खाते हैं, आपको ना सच में आपकी टंग को लगता है कि किसी ने उसके ऊपर एक गिलास लगा दिया है। A pillow cover of fat has been put. वो vegetable fat होता है, वो fake dairy. उसमें palm oil और डालडा अलग अलग किस्म के vegetable oil डाले हुए हैं. Not good. तो इसको खा के ये नहीं लग रहा कि जाके मंजन करें। And it's perfectly balanced. It's not over sweet as well. Goes really well with the cookie as well. तो अगर आमिर का लाइव नहीं होता मैं तो अभी जाके दो और खा रहा होता। आमिर आप खाओ थोड़ा सा। वो नाक चला दे कि मैं उनको झूठा दे रहा हूँ, अपनी खुद के लिए बनाएंगे। So this is one thing you can do is an ice cream cookie while we have the vanilla bean out. Did you finish this? You can do an half of that, What we are making for you next is an Italian Sunday of sorts. कि इतवार के दिन भी नहीं, पूरे हफ्ते ये लोग एक आइसक्रीम के साथ एक बहुत बढ़िया चीज बनाते हैं डिजर्ट, जो मीठा भी होता है पर थोड़ी सी उसमें कड़वी सेक्सीनेस भी होती है। तो उसमें आप एक स्कूप ऐसे करिए और आपने ग्लास के अंदर डाला। इनको कैफे क्लासेस कहते हैं, तो सारे बिस्ट्रोज एंड कैफेटेरियाज उनमें रोड साइड पे फ्रांस में, यूरोप में, इटली में आपको ऐसे कप्स मिलेंगे। उनमें इन्होंने आइसक्रीम का एक या दो स्कूप डाल दिया
वो लोग हमारे से बेहतर है, उन लोग कम ज्यादा कम इंडल्जेंस करते हैं, और शायद हम लोग ज्यादा जिंदा लॉन्गर रहते हैं पर इतने खुश नहीं रहते। हम लोग अगर जल्दी भी मर जाए खुशी से हंसते हंसते मरते हैं। पर वो एक स्कूप डालेंगे, हम दो डाल रहे हैं, और अब अपनी कॉफी यहाँ पे हम ले रहे हैं। तो हम लोग एक शॉट बना रहे हैं एस्प्रेसो का, हमने डबल शॉट बनाया तो थोड़ा ज्यादा निकलेगा। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे आ रही है एस्प्रेसो निकल रही है, इसको हम इसके ऊपर डालेंगे। सो गरम गरम एस्प्रेसो शॉट गोज ऑन द चिल्ड आइसक्रीम एंड इट्स अ अमेजिंग कॉम्बिनेशन। इट जस्ट एंड आई हैव संडे स्पून्स, सो यू गेट योर ओन संडे स्पून। थैंक यू। तो इस डिजर्ट को अफोगाटो कहते हैं, ये एक आइसक्रीम का डिजर्ट है। वाह, खुशबू किचन में बिटवीन द कॉफी एंड द आइसक्रीम, इसको ये जो कहते हैं ना परफेक्ट, जैसे जो हम लोगों के मन में जो गंगा जमुना की एक आइडिया आता है जब दोनों नदी बहे तो क्या मजा आएगा, इसको अगर आपको त्रिवेणी बनाना है तो इसमें थोड़ा चॉकलेट डाल दिया और उसको मेल कर दिया, इनका आइडिया था आते ही। तो मैंने कहा नहीं इटली में लोग उनको हार्ट बर्न हो जाएगा कि क्या कर रहे हो चॉकलेट डाल रहे हो, बट मेरे रेस्टोरेंट न्यूयॉर्क में उसको कहते थ्री इंडल्जेंसेस, आइसक्रीम कॉफी एंड चॉकलेट। पर मेरी आइसक्रीम में चाय इसके अंदर डालता था, तो मैं अर्ल ग्रे आइसक्रीम बनाता था कॉफी एंड चॉकलेट, तो त्रिवेणी हो जाती थी। तो खाओ जी, ये बहुत तमीजा लड़का है, इसकी मम्मी पापा ने इसको अच्छी तरह पाला है, शेफ जो बुड्ढे हैं उनको पहले खाने दे रहा है। अमेजिंग, इट स्मेल्स अमेजिंग। सो हमारी किचन में आई ऑलवेज हैव अ लिटिल वनीला आइसक्रीम एंड बटर स्कॉच। तो वरदान, व्हाट डू यू डू विद बटर स्कॉच? सो आई यूजली मेक वॉफल्स एट होम एंड आई टॉप इट विद बटर स्कॉच एंड सम सॉल्टेड कैरमल, बट इफ नॉट यू कैन ऑलवेज मेक बटर स्कॉच मिल्क शेक। It's like how do best. You do that? Best, it's Amul milk or Amul cream, two scoops of butterscotch ice cream in a blender. Just blend it all and pour some salted caramel on top. How do you make salted caramel? So salted caramel again, I'm using chini. Tum bolo. Butter, sugar, dono ko caramelize kiya and upar se Amul cream dali. When it cools down, just a sprinkle of salt. And you get the velvety, soft caramel. It's like toffee and it goes really well with Amul butterscotch ice cream. The best part about butterscotch cones also that we get in Amul. What do you get? Butterscotch cones? Yeah. So I've tried almost all the cones that you get anywhere, any ice cream brand. Mm. There's the last bit of the cone has some chocolate in it. Mm. That's my favorite part. Yeah. But when you eat it off any other brand, it's made out of palm oil, so it's like eating ghee. So that's the last bite of the ice cream, and it's ghee, and it's such a bad taste. But with Amul, they're using Amul chocolate, so that's the best part. So it's creamy, but it's not with that palm oil texture. So Vardhan, when did you first realize ki ice cream mein log vegetable fat kuch tel dal rahe? So when I became a chef, my first job was a pastry chef in Bangalore, and वहाँ पे मैंने उनका जो dessert menu किया, so I wanted some whipped cream. So when I got the packet of the whipped cream, it said dairy whipped non-dairy topping, something like that. And उससे जो हमने बनाई dessert, it's all fat, which you taught me, and when we sang me and you wrote about it as well. But India mein, that's the sad part, you know, it's very difficult to get whipped cream until Amul got their whipped cream to India as well. So it's not really available in Delhi at the moment, but in Bangalore, because I was working in Bangalore that time, we used to get Amul whipped cream. And that is so cheap, because if you go for a 1 liter of whipped cream anywhere in Delhi right now, you have to pay around 800 rupees. But with Amul, it's for 250 or 300 rupees, and it's all dairy. So that's the best part. तो आई जस्ट पुट द वनीला आइसक्रीम बैक इन द फ्रिज। जो वरदान शेफ ने जो अभी बात बताई है, मैं अमेरिका में 20 साल की उम्र पे गया और 27 साल बाद यहाँ पे पिछले साल आया, एंड मैं इनको मैंने वो रेसिपीज दी किचन में, इन्होंने अपनी रेसिपीज मेरे लिए बनाई, और हर चीज जो ये लोग बनाते थे मेरे मुंह में खा के बिल्कुल लगता था कि पता नहीं क्या साबुन चिपक गया मेरी जबान के साथ। I would feel like there was soap stuck to my tongue.
whenever the chefs in the kitchen would make me a dessert with cream or whipping cream or even some thick the whipped cream and I couldn't understand. I mean, apni recipes thi wo bhi buri aa rahi hain. And I have tested my recipes with a lot of pride in America. बहुत मेहनत से मैं अपनी रेसिपीज लिखता हूँ, बनाता हूँ, टेस्ट करता हूँ, टेस्ट करता हूँ. और ये लोग मेरे लाए बाहर तो मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों इतनी वाहियात है. तो इसको डांट पिट जैसे दिखाओ क्या मुझसे क्रीम यूज कर रहे हो. तो लाया जी बहुत हंसते हंसते, लुक शेफ बेस्ट ब्रांड इन इंडिया, बेस्ट ब्रांड इन इंडिया. मैं देख रहा हूँ उसमें क्या लिखा है, नॉन डेयरी डेयरी. ऐसे नामकूल आदमी तुम्हें देख लो लिखा नॉन डेयरी डेयरी. ऐसे तुम जोकर में पजामा आदमी हो या पजामा. तो वो कॉन्वर्सेशन शुरू हुई कि यहाँ पे मक्खन फेक, डेयरी फेक, आइसक्रीम फेक. प्लीज आप लोगों से, ये मोटा शेफ आपको ये बता रहा है कि प्लीज बहुत ध्यान से डेयरी खरीदिए हिंदुस्तान में, क्योंकि डेयरी में लोग फेविकॉल भर देते हैं और क्रीम में आपकी वो डालडा भर देते हैं. आइसक्रीम बस पाम ऑयल से बन रही है. तो प्लीज दो बारी सोचिए, 10 बारी सोचिए, 1000 बारी सोचिए, आप काफी नहीं सोचेंगे. तो जो ट्रस्टेड ब्रांड है आपका अमूल हो, ये कोऑपरेटिव है. यहाँ के जो एम्प्लॉयज है उन्होंने बहुत मेहनत से ये कंपनी को बनाया है एक वर्ल्ड के स्टैंडर्ड पे, जहाँ पे लोग झुकते हैं अमूल के सामने. ये जो चॉकलेट लाते हैं इटली के, सबसे दुनिया की बेहतरीन चॉकलेट जो ब्रांड है दोमोरी चॉकलेट, वो अमूल को चॉकलेट बेचती है. मेरे को अमरीका में उन्होंने बताया 3 साल पहले कि अमूल इन इंडिया इज डूइंग व्हाट नोबडी इन द वर्ल्ड इज डूइंग, टेकिंग द बेस्ट चॉकलेट ऑफ द वर्ल्ड एंड मेकिंग इट इनटू बार्स फॉर 100 रुपीज, जो अमेरिका में $15 की बेचेगी. $15 कितना हुआ है, 750 की वहां पे बेचेगी, बिकेगी यहाँ पे 100 रुपए की बिकती है, क्योंकि अमूल क्वालिटी पे वैल्यू डालता है, आपकी सेहत पे, आपकी वेलनेस में, आपकी सटाइटी पे. तो उनको आप ट्रस्ट करते हुए जाइए. कोई पूछ रहे वो इट इज माय मोस्ट फेवरेट ब्रांड जस्ट लव इट. यस इट्स माय मोस्ट फेवरेट ब्रांड टू. एंड वरदान को मैंने बोला वो भी जी हुजूरी करे आज. No, I totally love Amul. Even in my cakes, to my chocolate sauce, to my cookies, I'm using Amul at the moment. Because Amul is doing all kinds, from 55% to 99% bitter chocolate. Yes. Is Amul. So, agar bitter chocolate aapko kahi pe bhi India mein aap lene jayenge, to you have to spend at least 800 to 900 rupees. But Amul is giving you that bar for 150 rupees. So, that's the best part of it. So, please, ye baat aap yaad rakhiyega. मैं दूसरी चीज बता रहा था, जब लोगों ने आइसक्रीम शुरू करी थी, इनके आप बर्तन देखिए कितने सुंदर होते हैं लगाने के लिए. इनको कहा जाता है कूप्स, कटोरियों की तरह कप, और फ्रेंच नेम इनका कूप है. तो ये भी अलग अलग किस्म के नायाब क्यों बनाए हैं, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत सुंदर चीज जा रही है. अगर आप डालडे के साथ बनाते बिना कोई कॉन्फिडेंस से, बिना कोई प्राइड से, बिना कोई सलीकत से, कोई किसी भी बर्तन में सर्व कर देंगे. पर आइसक्रीम जो चीज बनी थी नवाबों के लिए बनी थी, क्रेम एंग्लेस, इसका ये था कि अंग्रेजों की फेवरेट क्रीम, उसको फिर फ्रीज करा जाता था. तो उसके लिए ये बर्तन भी बनाए गए अपने अपने शेप के. अब आप हमारे लिए थोड़ी सी एक वनीला आइसक्रीम के साथ, बटर स्कॉच के साथ एक वो बनाओ हॉट चॉकलेट सॉस. तो दिखाओ कैसे बनाएंगे आपको, हम टेस्ट से रेस पे डालो. So, I'll be using Amul chocolate only for this one. Which one are you using? India. Using the India. Wonderful. It's 55% cocoa content. तो ये सब के लिए ठीक है. 55% से ज़्यादा bitterness करवात नहीं होती है. अगर आपको milk chocolate अच्छी लगती, it's a very good one to work with. And this is very easy to make. कितनी डाल रहे हो आप? I'm going to be using equal quantity. So, अगर say I'm using 50 gram of Amul chocolate, then 50 ml of the Amul cream. तो मैं जो है क्रीम को, वो जो अमूल का व्हाइट एंड ब्लू डब्बा आता है फ्रेश क्रीम का, उसको एक ऐसे बोतल में रख देता हूँ, उसको चेक करिए अच्छी तरह कि सारा मिल जाए. डांस करिए किचन में थोड़ा वेट करिए. या तो ये देखिए आपने, इन्होंने इतनी चॉकलेट डाली है, कितनी क्यूब्स डालूंगा? अराउंड 5 to 6 क्यूब्स. एंड आधा पैकेट डाला? नहीं, नॉट आधा, अराउंड 1/4. ये भी वी नीड चार्ली फॉर दिस एज वेल गाइस. Charlie is the one who closed this for us. So yeah. Bas. So it totally depends. You can also make a nice spread for your toast. So it's called a microwave make? Yeah, just 1 minute in the microwave. And this is the easiest way to make a chocolate spread. I use this spread for my breakfast as well. Aap bas Amul chocolate or cream equal quantity lijiye and usko 1 minute ke liye microwave kare.
and it's the best kind of spread for your breads in the morning. Some and beach में मैं आके ice cream sandwich खाऊंगा. Yeah. So this is the best part about Amul, because and another thing, if you see the ice cream as well, it does not have a lot of stabilizer in it. Otherwise, अगर कोई भी normal ice cream होती और वो बाहर रहती तो it stays hard, solid for a really long time because of the amount of stabilizers that it put into the ice cream. But Amul ki ice cream is all dairy, so that's the best part about it. That's why we use it for our desserts, we use it for our sundaes, even at the restaurant, we would at times use it for our sundaes. So, the sauce should be ready. Yeah, that's more than enough. So, microwave mein hum melt karke le aaye yahan pe. Yeah, and just give it a nice... तो चॉकलेट एंड क्रीम को आप मिक्स कर रहे हैं. वाह, यू कैन यूज इट ऑन एनीथिंग. यू कैन ऐड इट टू योर मिल्क शेक्स, टू योर आइसक्रीम सन्डेज, एनीथिंग एट ऑल. आई ऑलवेज प्रेफर सम रोस्टेड पीनट्स, कैश्यू नट्स एंड just a scoop of the ice cream, some sauce, some nuts. That's the best kind of sundae that you want. Yeah. इसके अंदर फेविकॉल नहीं जा सकता, कोई तोड़ नहीं सकता. मैंने सुना है हिंदुस्तान में क्या क्या चीजें लोग सीखते हैं करनी, कि लोगों ये खोल के अपने दूध के पैकेज वगैरह में बदमाशी करते हैं. Exactly. इसलिए अमूल बहुत केयरफुली पैकेज करते हैं अपने. तो आई स्टार्टेड ट्रस्टिंग अमूल, क्योंकि मैं जब बच्चा था तब से अमूल बहुत हम लोगों का फेवरेट था, उसकी क्वालिटी मशहूर थी. और अब सब लोग मुझे यही कह रहे हैं कि अमूल नेवर डिसअपॉइंट्स एंड आई एम लर्निंग दिस. हमारे बहुत हिंदुस्तान के फेमस फूड राइटर, फूड क्रिटिक हैं मिस्टर वीर सांगवी. उन्होंने एक आर्टिकल लिखा हिंदुस्तान टाइम में जहां पर उन्होंने यही बात बताई है कि जो इंडस्ट्री है, एक मिनट में हम लोगों से देखिए खुल नहीं रहा है ये. हम लोग कितनी कम आइसक्रीम खाइए. दिस वन इज अ लिटिल हार्डर, वैनिला दे दो. नहीं नहीं, इसको इसी से करेंगे. देखिए कितनी जल्दी आज के बच्चे घबराते हैं. मैंने इतनी आइसक्रीम खाई हुई है, मैं डरता नहीं हूँ चीज काम करने से. ये कल का बच्चा बोल रहा है इसमें कुछ और फ्लेवर खा लो. तो ये बटर स्कॉच द फ्लेवर ऑफ इंडिया. जब मैं आइसक्रीम के बारे में सोचता हूँ मुझे बटर स्कॉच के लिए तो मेरे बिल्कुल मुंह से थूक निकलता है कि मेरे को चाहिए. मैं बदमाश हूँ, मैं हर रात को आइसक्रीम के साथ ही पलक बजाता हूँ. बहुत ज्यादा आइसक्रीम. सब जानते हैं कि मेरा एक इंडल्जेंस है आइसक्रीम. यू वांट अनदर स्कूप? हाँ दे दे, अभी तो इसको करो. क्या बढ़िया गनाश जैसा बनाया. सो इट्स वेरी थिक एंड वेरी ग्लॉसी एज वेल. तो हमारे साथ आमिर जी हैं, वो मुजफ्फरपुर के. मुजफ्फरपुर में ऐसी मिलती थी आइसक्रीम अमूल की? मिलती थी, कह रहे अमूल की. वो लोग भी आयोली की खाते थे. सो लुक एट दैट अमूल. अच्छा तुम अपने अलग कटोरी बनाओ. शेयरिंग इज केयरिंग, बट नो सी. यू लाइक इट राइट? ओके थैंक यू. Wow. Now in my fridge, मेरे six packs में क्या है? There's tutti frutti, केसर पिस्ता. Thank you. And there's black currant. I want you to make a cookie for me with the berries. Oh yeah. Ice cream sandwich with the black currant. So these have these flavors. I always have vanilla and butterscotch. बटर स्कॉच आप किसी को देंगे उनको अगर आंसू नहीं आए खा खा के, वो उनमें इमोशंस नहीं है. मैं तो हमारे घर पे तो बटर स्कॉच और वनीला हमेशा फ्रीजर में रहते. बटर स्कॉच तो मेरी फेवरेट है, मैं क्या बता. सो दिस ब्लैक करंट इज माय फेवरेट विद द व्हाइट चॉकलेट, द अमूल व्हाइट चॉकलेट. पर इसका रंग ब्लैक क्यों नहीं है? ब्लैक इट्स नॉट ब्लैक. जब आप उसको करंट्स को जब आप कुक करते हैं उनका रंग ऐसा ही पर्पलिश होता है. तो वाह, दिस इज द राइट कलर एंड इट गोज रियली वेल विद दिस व्हाइट. व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर. इतनी कंजूसी करता है ये. चलो आधा आधा काट के खाएं. तो ये डाइट वर्जन है. या
आप मेरे को भी देने वाले हैं। आमिर जी खाइए, खा लीजिए, बहुत नखरे वाले हैं उनको तो बहुत नजर। Say, if you see the color, that's how it is. It's so pretty. Mm. How to judge whether it's a good quality ice cream? Can you please tell me? Mm. So, chef, do you want to answer? Go first. So, for me, I've always, when it comes to the local brands that you get in the market, I would always go for the label. As we spoke earlier in the ingredients, we would always try and see what are the ingredients in the... My friend Charlie here from America, वो खाने आया देख के life को, तो this is Amul for you. So if you see the nutritional information and the ingredients, there are always going to be dairy, milk solids, sugar, blackcurrant fruit pieces, a little bit of emulsifier and stabilizers. So that's the answer. Yeah. आप कई brand जब लेंगे, पहली चीज जो 50 चीजें लिखी उनमें तो दूध का नाम ही नहीं आएगा। यहाँ पे पहले तीन इंग्रेडिएंट्स पे ही आपको दूध मिल गया, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड थिंग, योर टंग विल नेवर फूल यू इनटू ईटिंग फेक आइसक्रीम। आदत बन गई है, प्रॉब्लम ये हो गई है कि आजकल हिंदुस्तान में पिछले इतने सालों से लोग फेक आइसक्रीम खा रहे हैं कि उनको पता ही नहीं कि असली आइसक्रीम क्या है। तो अब आप लोगों को अगर ये अलग लगेगी, इसलिए लगेगी क्योंकि आपने कभी रियल आइसक्रीम खाई नहीं है, पर आपके बदन को, आपके शरीर को, आपके जहन को असली आइसक्रीम इसलिए चाहिए क्योंकि आप लंबा जी पाएंगे, लंबा प्यार कर पाएंगे अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को। तो स्मार्टली खाइए, स्मार्ट चॉइसेस करिए एंड खूब लंबी खुशहाल जिंदगी जीए। दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। सो दैट्स द ब्लैक करंट। या दैट्स द ब्लैक करंट। प्लीज मेक वन मोर एंड वी हैव टू गिव वन टू आमिर। ये देखिए चार्ली आके खा के गया है, इट इज यमी। आई मस्ट बी ऑनेस्ट, ब्लैक करंट मैंने कभी नहीं खाया, ये पहली बारी मैं उनका ब्लैक करंट आमिर का ट्राई कर रहा हूँ और ये आज वरदान जी के कारण आया है। तो इन्होंने मेरे लिए लेके आए हैं कि शेफ ये ब्रांड बहुत, इट्स डिलिशियस, इट हैज ऑल द नोट, फ्रूटी नोट्स ऑफ बेरी एंड द यमीनेस, उफ बहुत भी बढ़िया है। एंड इसमें करंट्स भी डाले, या दिस करंट्स एज वेल, सो दैट्स द बेस्ट। सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ अमूल फॉर यू, कि बस रंग नहीं दिया, एक थोड़ा डालो, बहुत ही कंजूस है। इसके बाद हमें शुगर रश होने वाला है। हाँ, अब पता नहीं कौन बेबी सिटिंग करेगा हमारे लिए। You want like an open sandwich or something? No, I want closed. Closed door and closed sandwich. To yeah, sugar rush and to Amul. So, this we will cut. Charlie, come, there's more. Yeah. Come, say hello to everybody. This one's the best, right? Hi. It's so good. It's so good? Yeah. The cookie is really good. So the cookie and the ice cream, both these things are very good. And the ice cream, yeah, yeah. Have more. Mere ko nahi pata what have more is. Sorry, I have no idea. I call me a fool. Call me a smart man. Call me a loyalist. Call me a thinker. I don't go with just a brand. I have to study. I have to do my homework. I have to be smart about the choices I make. Especially when I know I can get fat by overeating. मेरे पास वो addiction है कि मेरे को अच्छी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। मेरा homework, वीर सांगवी जी जो हमारे सबसे powerful, trustworthy, influential food critic है, उनका homework हमें ये बता रहा है कि आमूल झूठ नहीं बोलता है, आमूल गलतियां नहीं करता है, आमूल आपके साथ गेम नहीं खेल रहे हैं। जब वो बोलते हैं आपको वो आइसक्रीम दे रहे हैं, वो आपको आइसक्रीम दे रहे हैं। FSSAI जो फूड स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जब कहती है मिनिमम 10% फैट रखिए, आमूल 13.5% फैट आपको दे रहा है। दे गिविंग यू 13.5% फैट आउट ऑफ देयर ओन गुडविल, कि वो आपको उसी दाम पे जो और लोग बेच रहे हैं आपको असली आइसक्रीम दे रहे हैं, असली दूध की बनी हुई 13.5% फैट के साथ। तो आप आमूल के सामने माथा टेकिए, थैंक यू कीजिए एंड ये चाहिए कि और लोग भी उनको कॉपी करके बेटर बेहतर बने, बिकॉज आमूल इज नॉट कम्पीटिंग विद अदर्स, आमूल इज मेंटेनिंग देयर नेम एंड देयर स्टैंडर्ड। दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। वी विल टेक अनदर क्वेश्चन एंड टू अदर पीपल आर वॉचिंग। शेफ सुबीर, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू? व्हाट्स नेक्स्ट फॉर मी? वरदान एंड आई आर वर्किंग ऑन अ रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट इन सेंट्रल दिल्ली।
and we won't have any analogous products in it. And we have an interest in actually begging Amul to bring whipping cream to Delhi. Yeah. And just bombard us with real dairy. क्योंकि इतना झूठा स्टफ दिल्ली में आजकल पूरे हिंदुस्तान में मिलता है कि हम आमुर से अभी ऑनलाइन अभी बोल मैं मिन्नत मांग रहे हैं कि प्लीज दिल्ली आइए हमें खूब व्हिपिंग क्रीम और असली डेयरी सब कुछ दीजिए. वी ओपनिंग अ वेरी बिग प्रोजेक्ट वेयर वी विल कुक विद ऑनेस्ट इंग्रेडिएंट्स विद इंडियन फ्लेवर विद 21st सेंचुरी लुक एंड प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंट यू समथिंग दैट यू विल बी प्राउड ऑफ टू कॉल इंडियन बिकॉज इट्स मेड बाय इंडियंस हु थिंक लाइक इंडियंस हु आर प्राउड ऑफ इंडिया and who enjoy Indian flavors. That's the next project. But in the meantime, eat ice cream with pride, with greed, with happiness, and find satiety when you're eating real ice cream. जब आप बहुत भूख के साथ ice cream खाते हैं, guarantee अपने आप को दीजिए कि आप वो गलत नहीं कर रहे हैं. अगर आप brand देख के magnifying glass के साथ कि frozen dessert नहीं है, पर असली ice cream है, उसको खरीदिए. कई competitors हैं अमूल के जो दो आइसक्रीम असली बनाते हैं बस 10% फैट के साथ, पर 99 आइसक्रीम ऐसी बनाते हैं जिनमें कोई दूध है ही नहीं, सारा डालडा से भरा हुआ है या बहुत कम दूध है. तो आप अमूल की खरीदिए, उसको खाइए, एक छोटी कटोरी बहुत दूर जाती है, उसमें आपको तृप्ति मिलती है, आपको अपने प्रोटीन मिल जाता है, आपको विटामिन मिल जाते हैं, कैल्शियम मिलता है. तो बी थिंक अबाउट मिल्क, द गुडनेस ऑफ मिल्क कम्स विद आइसक्रीम. आइसक्रीम इज एन इंडल्जेंस. जब आपको आइसक्रीम खानी है, असली आइसक्रीम खाइए एंड लंबी जिंदगी जिए, क्योंकि आप अपने में वो गंदा वेजिटेबल फैट निकाल रहे. एनी लास्ट बिट्स अबाउट आइसक्रीम, व्हेन डिड यू फर्स्ट स्टार्ट लविंग आइसक्रीम? एज अ किड, एज आई टोल्ड यू व्हेन वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम एज वेल, द फर्स्ट थिंग दैट आई एवर क्रिएटेड एज अ किड एज अ 5 year ओल्ड वाज एन आइसक्रीम सैंडविच विद पार्ले जी दैट टाइम एंड एन आइसक्रीम इन द मिडल. एंड सिंस देन अमूल हैज बीन इन एवरी हाउस होल्ड आई फील. So, अमूल के हम विद पार्ले जी एंड वनीला हम उसके घर पे आइसक्रीम सैंडविच बनाते थे. एंड बचपन से, सिंस आई वाज 5 or 6 इयर्स ओल्ड, आई बीन ईटिंग दैट. नाउ आई जस्ट चेंज द कुकी, दैट्स द ओनली डिफरेंस. द आइसक्रीम इज स्टिल द सेम. सो अब मैं 20 साल से आइसक्रीम इज बीन द सेम. इफ यू ऑल आर इन दिल्ली एनसीआर रीजन, गो ऑन टू इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम पे जाइए अगर आप लोग दिल्ली में रहते हैं, गुड़गांव में ग्लेज फैक्ट्री @GlazeFactory इनका हैंडल है, इनकी कंपनी का, बिजनेस का. ये अमूल के प्रोडक्ट के साथ, असली दूध और बटर और मक्खन के साथ, ही मेक्स इनक्रेडिबल कीशेस, आइस कुकीज एंड केक्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स. आप इनकी कुकीज खरीदिए, आइसक्रीम लाइए अमूल से, और फिर कॉपी करिए जो हम लोगों ने करा है. कॉफी लीजिए जो हमने आज करा है, गर्म कॉफी में एक स्कूप वनीला आइसक्रीम डालिए. अफोगाटो द डिजर्ट ऑफ इटली, उसको खाइए. आइसक्रीम में थोड़ी सी अमूल की चॉकलेट, इंडिया वाली या कोई भी मिल्क चॉकलेट, इंडिया वाली, इनको लीजिए, थोड़ी सी डालिए इक्वल अमाउंट क्रीम में, इसको माइक्रोवेव में 30 seconds to 45 seconds मेल्ट करके हिलाया, चॉकलेट सॉस बन जाता है जो आइसक्रीम के ऊपर चिपक भी जाता है पूरी तरह. इसको खाइए अपनी टॉपिंग के साथ. इंजॉय आइसक्रीम बट ईट द रियल डील. अगर चीटिंग करनी है और आइसक्रीम खानी है और आपको तृप्ति चाहिए मील के बाद, तो असली आइसक्रीम खाइए. हैव द रियल डील, वाई ईट फेक आइसक्रीम? द कैलोरीज फ्रॉम दैट आर मच वर्स. इफ यू आर काउंटिंग कैलोरीज, ईट द रियल डील. लिटिल आइसक्रीम गोज अ लॉन्ग वे. इफ यू लाइक मी एन इंडल्जेंट पिग, आई रादर ईट द रियल थिंग. असली आइसक्रीम खाके मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि जिसकी कैलोरीज आर बेटर देन द कैलोरीज फ्रॉम डालडा एंड पाम ऑयल. सो एंजॉय आइसक्रीम, इट्स नॉट दैट बैड फॉर यू. A little bit goes a long way. Somebody said, how come to check body? The texture of real ice cream should be creamy and it should melt easily. Because aajkal ke jo fake ice cream hai, wo to pighalti nahi hai. Wo dalde ki tarah hamesha solid hi rehti hai. So that's a very... Also the back of the spoon. Dekhe, saaf hai na? Jab ispe ghee aur makhan laga hoga ek bite khane ke baad, matlab usme dalda ya fake fat hai ya plant... Wo chipka rahega. और वैसे ही वो आपके मुंह के अंदर चिपका रहता है. सो थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग अस फॉर अ गुड कॉन्वर्सेशन ऑन आइसक्रीम. वी लव आइसक्रीम. डू यू लव? ओह, आई लव आइसक्रीम. डू यू स्क्रीम फॉर आइसक्रीम? ओह, डेफिनेटली. आई स्क्रीम फॉर आइसक्रीम, ही स्क्रीम फॉर आइसक्रीम. वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम. एंड माय मदर टेल्स मी नॉट टू ईट एज मच बिकॉज़ आई कीप गेटिंग फैटर. बट एज आई टोल्ड यू, माय कोलेस्ट्रॉल रीडिंग, द डॉक्टर्स आर शॉक्ड. फॉर ऑल द आइसक्रीम आई ईट, आई एम नॉट, आई हैव वेरी गुड कोलेस्ट्रॉल. द गुड कोलेस्ट्रॉल इज हाई, द बैड कोलेस्ट्रॉल इज लो. That's the best cholesterol to have. Thank you, Amul, for making real ice cream.
For me, it was a pleasure to promote Amul because I can trust him. Can you? Definitely. I've been doing that from the past 20 years now. Thank you, Amul. Thank you. And thank you, everybody, for joining us.